उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे जैसा नारा लगा, समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था की बात करते, मानव से मानव को भिन्न करते, और ऐसे समाज के लोगों को, दलित या पिछड़ा समाज है, ऐसे लोगों को शादी ब्याह के मौके पर गोली पर चढ़ने से मना करते, मूछ रखने पर मना कर दिया। वो लोग आज दुनिया को संसदीय भाषा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब आम लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात बोलने का शायद अधिकार नहीं रह जाए अगर हम लोग इसी तरह खामोश रहे तो। आज हमें जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों हो रही है, ये बात पूरे मुल्क की आवाम को जानना बहुत जरूरी है। भारत एक सेकुलर देश है, एक जनतांत्रिक देश है। ऐसे जनतांत्रिक देश में ऐसे फैसले लिए जाने लगे हैं जो तानाशाही भरे हैं, लेकिन आप संसद में किसी को तानाशाह नहीं कह पाएंगे। अगर आप तानाशाह नहीं कह पाएंगे तो फिर क्या कहेंगे? और देश के प्रधानमंत्री महोदय, वो बाहर जुमला और जुमलेबाजी, गृहमंत्री महोदय जुमला और जुमलेबाजी की बात करते हैं, लेकिन संसदीय भाषा में जुमलेबाजी प्रतिबंधित है। साथियों, ये जो दोहरा मापदंड है, ये किसी भी हालत में देश में चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार देश में कोई विपक्षी नेता नहीं बनने पाया, जबकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग संख्या कम होने के बाद भी इनका कोई न कोई विपक्ष का नेता हमेशा कांग्रेस के समय में हुआ करता था। हमारे यहाँ की एक ऐसी परिपाटी रही है, लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। संगठनिक तौर पर उनके संख्या बल होते हुए भी एक पार्टी के संख्या बल के आधार को आगे रखते हुए ये मौका किसी दूसरी पार्टी को नहीं दिया गया। उसी तरीके से आप देखें, आज हमारी संसद में उन मुहावरों को प्रतिबंधित किया जाता है जो हमारी आम भाषा में, जैसे अंटबंट, जब कोई इधर उधर की बात करता है तो आदमी कहता है भाई सीधी बात करो, अंटबंट की बात क्यों कर रहे हो, और आज उसे अंटबंट की बात आप नहीं कह सकते। इस तरह की चीज़ों को असंवैधानिक बता रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग सड़कों पर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे जैसा नारा लगाते हैं। आप देखें, उनकी पार्टी के लोग समाज में जाति और वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, मानव से मानव को भिन्न करते हैं, और ऐसे समाज के लोगों को जो दलित या पिछड़ा समाज है, ऐसे लोगों को शादी ब्याह के मौके पर घोड़ी पर चढ़ने से मना करते हैं, मूछ रखने पे उनका मर्डर कर दिया करते हैं। वो लोग आज दुनिया को संसदीय भाषा बता रहे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि संसदीय भाषा पहले से ही हमारे देश में जो एक चलन था कि अगर संसद के अंदर कोई संसदीय भाषा आ जाती थी तो उसको बातचीत करके कार्यवाही से निकाल दिया जाता था, उसके लिए विशेष कानून की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अभी उस पर विशेष रूप से पाबंदी लगाई गई है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर झूठ को झूठ नहीं कहा जाएगा, असत्य को असत्य नहीं कहा जाएगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे बिरलान जी जो हमारे संसद के अध्यक्ष हैं, वो ये तो बता दें कि इनकी जगह उनकी पर्याय उन्होंने क्या निकाला है। इन शब्दों की जगह आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने कुछ निकाला है तो मुझे भी बता दो भाई,
ताकि असंसदीय भाषा हमारे मुंह से न निकले। आप में से पत्रकार बंधुओं से किसी को मालूम है क्या इसका कुछ और मालूम है क्या भाई? मुझे लगता है आप लोग भी यही कहेंगे, असत्य को असत्य कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। तो संसद की छोर में अगर अपनी तख्ती लोगों को नहीं दिखाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? ये सब भारतीय संविधान के विपरीत है। अभी आप देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि भारत में संसदीय नहीं है लेकिन आम मुहावरे में देश के प्रधानमंत्री महोदय भी बोला करते हैं। आपने देखा होगा किसानों के धरने के समय में क्या क्या शब्द उच्चारित किए गए हैं, आप लोगों को मालूम है, आपके जरिए हमें भी मालूम हुआ। जब देश की सरकार के लोग उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो संवैधानिक होते हैं, और जब आम आदमी या विपक्षी उन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो असंवैधानिक होता है। साथियों, ऐसा करके भारतीय संविधान में आम जन को जो अधिकार मिला है उन अधिकारों का हनन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में अब आम लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात बोलने का शायद अधिकार नहीं रह जाए अगर हम लोग इसी तरह खामोश रहे तो। इसलिए साथियों, आज हमें आज ये प्रदर्शन करके देश की जनता को बताना है, और बताना ही नहीं है बल्कि इस पर एक लंबी लड़ाई लड़नी है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है कभी भी नहीं छीनी जा सकती। इसके लिए हमें किसी भी हद तक संघर्ष करना पड़े तो हम लोग करने को तैयार रहेंगे। आज तो हमारा ये एक सांकेतिक प्रोग्राम था कि इसके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि भारत में अब अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह से इसका हनन किया जा रहा है। आप देखेंगे आज की घटना बताएं, आज हमारी पार्टी का अकाउंट सीज किया गया है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का अकाउंट शायद कभी सीज किया गया हो लेकिन आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का अकाउंट सीज किया गया है। और जवाब अगर पूछा जाता है तो अभी तक कोई माकूल जवाब नहीं मिल रहा, सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि ऊपर के आदेश की वजह से ऐसा हुआ है। साथियों, दमन चाहे जितना हो लेकिन संघर्ष रुकने वाला नहीं है, ये जारी है और जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ रोकूंगा, और आप सब पत्रकार भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों से मैं विशेष अनुरोध करूँगा कि आप लोग आम जनता तक इस संदेश को पहुँचाने का पूरा प्रयास करें और आप इसमें सहयोग दें, क्योंकि इसमें आज नहीं कल आप भी प्रतिबंधित होंगे। और आपके लिए मैं एक चीज़ बता दूं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप लोग जो छोटे छोटे YouTube वगैरह चला रहे हैं, आप देखें इसका कैसे लाइसेंसीकरण किया जा रहा है, कैसे इस पर टैक्स लगाया जा रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप पर भी लगाम लगाई जा रही है। इसलिए आप लोग जिम्मेदारी है।